मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है, मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम बोल देंगे तो मुसलमान लोग हमारे खिलाफ हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसीलिए इस सब बतिया एप्लीकेशन पे बोलते हैं। इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना। कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता हाथ काट दो, तो कहेगा ना ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा, वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है, महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच कूच के मार देता है सब, सर काट दीजिए, मौत का बदला मौत, हाथ का बदला हाथ, आंख का बदला आंख, यही होता है ना इस्लाम में। तो मुसलमान लोग या मुसलमान के मौलाना लोग जो समान दंड संहिता थी उसे मान लिया, दंड संहिता में भी तो आप कहिए कि मुसलमानों का दंड कानून अलग रखिए, अगर ऐसा कर देंगे तो आप भी पढ़े होंगे कि सबसे टफ कानून सऊदी अरब का है, आधा मुसलमान कटा के फेंका जाएंगे लोग अगर इस्लामिक कानून लगा दीजिए तो, बहुत टफ कानून है इस्लाम का कानून वहां पे। तो वहां पे उनका इस्लाम नहीं खतरे में आया, वहां कोई मौलाना साहब विरोध नहीं किए, लेकिन ब्याह का जब कानून आ गया तो ना हमारा इस्लाम का अलग कानून है, ब्याह में 2 गो ब्याह करेंगे, 3 तलाक देंगे, सुप्रीम कोर्ट धो दिया यहाँ पे, और हम गारंटी करते हैं कि गवर्नमेंट लेके चली आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पक्का लेके चली। हमारे चैनल सब्सक्राइब करो।